ही गाइज, वेलकम बैक टू क्वर्की क्लैन। सो आई होप आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं एंड ठंडी का बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया हुआ था। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये मेरा सबसे बेस्ट DIY है, बट मैंने कुछ ज़रूर न्यू ट्राई किया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में कोई मोल्ड तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे मैं ये ओल्ड पुराना एक शू बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी पुराना गार्डन यूज़ कर सकते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में हो। इसके बीच में हम एक और छोटा सा कार्टून यूज़ करेंगे। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, जो छोटा वाला है उसे मैं यहाँ पर लेवल कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ मानिए कि अगर इसका जो विथ है अगर वो 6 inches है, तो मैं इसका सेंटर 3 inch रखूँगी। एंड इसके बाद मुझे इसके बीच में एक सर्कल बनाना है। तो हमें परफेक्ट सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे एक सेंटर में होल करना है। तो चलिए मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ क्या करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये है कि हम इसे अच्छे से सील करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसमें कंक्रीट डालने वाले हैं, तो कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। एंड इसका स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे, क्योंकि एट द एंड ये पेपर है तो ये कहीं से लीक भी हो सकता है। तो चलिए इन सबको हम चारों तरफ से अच्छे से सील कर देते हैं सेलो टेप की मदद से। हमारा जो कार्टन है वो अच्छे से सील हो चुका है, तो चलिए अब इसमें हम ये छोटा वाला बॉक्स भी स्टिक कर देंगे। इसे हम ग्लू से स्टिक कर देंगे ताकि वो यहाँ वहाँ शेक ना हो एंड हमारा जो पैटर्न है वो अच्छे से बन कर आए। अब जो हम इसमें नेक्स्ट करेंगे वो ये है कि मैं यहाँ पे ये PVC पाइप यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। चाहे तो आप वैसलिन से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। तो इसे मैं इस होल में डाल दूँगी। एंड ये मैंने ऑयल से इसलिए ग्रीस किया है क्योंकि जब मैं इसे अनमोल्ड करूँगी तो ये मुझे ईजी पड़े, अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसमें स्टिक भी हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैं ये कंक्रीट मिक्स को डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैंने सीमेंट यूज़ किया है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेती डालना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सैंड डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना भी क्वांटिटी यूज़ करें, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 cup ऑफ सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 cup ऑफ इसमें सैंड भी यूज़ कीजिए। एंड जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्ड लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा ये मैंने कंक्रीट मिक्स को फिल कर दिया है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कंकड़ियाँ यूज़ कर रही हूँ, जिसे पेबल्स भी कहते हैं। तो ये आराम से किसी भी कंस्ट्रक्शन शॉप में मिल जाते हैं एंड इससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आएगा। तो मैं ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैं पुट कर रही हूँ आप भी वहीं पर ही डालें, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे भी डेकोरेट करना है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ये मैं नेचुरल मॉस यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही आराम से ऑनलाइन मिल जाता है। इसे मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, मैं इसके लिंक आपको शेयर कर दूँगी। तो अगर आपने कोई पुरानी बिल्डिंग देखी होगी तो उसमें आपने कभी ये मॉस देखा होगा एंड वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली मेरा जो इंस्पिरेशन है वही ओल्ड बिल्डिंग्स है, उसी को ही मैंने इंस्पायर करके इस DIY को करने का सोचा है। एंड थोड़ी सी ग्रीनरी आ जाती है तो अच्छा सा लुक आ जाता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। वंस आपका अगर डेकोरेशन रेडी हो गया है तो इसे हम वापस से थोड़ा सा सील करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोल्ड है वो एक कार्डबोर्ड का है तो उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतने हैवी सीमेंट को होल्ड कर सके। एंड हमारा जो सीमेंट है वो ऑलरेडी बहुत मॉइस्ट है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सारे तरफ से आप इसको सेलो टेप से टाइटन कर दीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। तो इससे चलिए हम स्टिक कर देते हैं। और चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया। मेरा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैंने इसे 1 week के लिए मैंने इसे क्योर होने दिया है। तो मिनिमम 48 आवर्स तक हमें इसे क्योर करेंगे। आप इसे जितना क्योर करेंगे इसका जो शेड है वो लाइटर मोड में जाएगा एंड जितना लाइट होएगा वो इसका लुक और भी ज़्यादा निखरेगा। तो चलिए इसे हम अनमोल्ड कर देते हैं। देखते हैं कि कितने इजीली ये अनमोल्ड हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से क्योर होने दिया है। तो मिनिमम आपको 48 आवर्स तो आपको इसको देने हैं एंड अगर आप इसे 1 week तक रखेंगे क्योर होने देंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा एंड ये इतने आसानी से इसलिए निकल सकता है। तो चलिए इसे हम अनमोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हम इसके इनर वाले बॉक्स को भी अनमोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं ये भी कितने आसानी से हो गया है।
तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, आराम से ही अनमोल्ड हो गया। तो इसे आपको अच्छे से क्योर होने देना है तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत यहाँ पे सीमेंट एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप आराम से हाथ से तोड़ दीजिए, ये आराम से क्रैक होके निकल जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए ये जो पीवीसी पाइप है उसे भी हम अनमोल्ड कर देते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से एंड आराम से करना है, एंड अगर आपने इसे अच्छे से ग्रीस किया है तो ये आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल दिया है। उसके बाद में मैं ये मेटल का स्क्रबर लूँगी एंड जितने भी रफ एजेस है उसको मैं अच्छे से स्मूथ कर दूँगी। तो चलिए इसे हम फटाफट कर लेते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने ये होल्डर लिया है, तो यहाँ पे मैंने ये थ्रेड वाला होल्डर लिया है जो मुझे आराम से 50 रुपीज़ में मिल गया है। तो इसमें मैं जो बल्ब यूज़ करी हूँ वो E27 LED बल्ब यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, तो चॉइस बिल्कुल आपकी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको वायरिंग का काम कर लेती हूँ। एंड ये जो वायरिंग है, वायर है, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरे घर पर पड़ा था, तो मुझे बस ये इसे असेंबल करना है, तो इसे मैं कर लेती हूँ। हमारा वायरिंग का काम हो चुका है। चलिए हम चेक करते हैं कि बल्ब हमारा जलता है कि नहीं। तो यही है वो बल्ब, E27 LED बल्ब जो मुझे अमेजन से मिला था, 340 रुपीज़ में 3 पीस मिले थे। तो बल्ब हमारा जल चुका है, हमारी टेस्टिंग हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि ये जो स्विच है उसे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में हम जो वायर है उसको हम उसमें होल में इंसर्ट हमने करना है, तो वो स्विच के साथ नहीं जाएगा। तो चलिए इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। वंस हमारा जो होल्डर है इसमें फिट हो जाए, उसके बाद जो होल्डर का जो कैप है वो भी हम इसमें वायर में हम इंसर्ट कर देंगे, एंड जो इस पर एक नॉट डाल देंगे, ताकि क्या रहेगा जो होल्डर है हमारा जो बिल्कुल टाइटली फिट हो जाएगा इस फ्रेम के बीच में। तो इसे आप कर लीजिए। उसके बाद से हम वापस से जो हमारा जो स्विच हमने निकाला था उसे हम वापस से असेंबलिंग कर लेते हैं, एंड फाइनल टेस्टिंग हम देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है वो चलता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा होल्डर एकदम अच्छे से अटैच हो चुका है, तो हमारा जो लास्ट पार्ट है जो प्लग है उसे भी हमने असेंबलिंग कर दिया है। तो चलिए एक बार वापस से हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा बल्ब जलता है कि नहीं। तो मेरा बल्ब जल चुका है, एंड फाइनली मेरा जो कंक्रीट लैंप है वो कुछ इस तरह से लगेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है, एंड ये अभी भी मैं कहूँगी कि मेरा अब तक का ये सबसे बेस्ट DIY नहीं है, बट अगर मैंने किसी एक पर्सन को भी इंस्पायर किया तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।